स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। प्रेगनेंसी एक कपल और उनके परिवार के लिए एक आशीर्वाद होता है। पूरे 9 महीनों के लिए सारा परिवार उस नन्ही सी खुशी को गले लगाने के लिए उतावला होता है। प्रेगनेंसी औरत के जीवन का ऐसा समय होता है जब उसे अपना पूरा ध्यान रखने की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। प्रेगनेंसी में एक्सीडेंट्स एक महिला के लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। एक्सीडेंट्स का असर सिर्फ माँ पर ही नहीं बल्कि होने वाले बच्चे पर भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले एक्सीडेंट्स या इंजरी जो उसके थ्रू हो सकती है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम कुछ ड्राइविंग टिप्स की भी बात करेंगे ताकि आप प्रेगनेंसी में कार एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकें, और दुर्भाग्यवश अगर कार एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप उन 10 लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे 500 रुपीस का वाउचर जीत सकते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको वीडियो में मिलता है। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप डाउनलोड करें। तो आइए शुरू करते हैं। Why pregnant women are susceptible to accidents? Pregnancy में आपको और ज्यादा careful और cautious होना चाहिए क्योंकि इस time पर आप accident से ज्यादा susceptible होते हैं। इस समय पर आपके शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, पेट बड़ा हो जाता है और आगे निकल आता है। इस वजह से body balance थोड़ा disturb हो जाता है। पेट आगे निकलने की वजह से चलते वक्त ठीक से दिखाई नहीं देता कि आपके पैर कहाँ पर रख रहे हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में फिसलने गिरने का रिस्क बढ़ जाता है और कभी कभी बाथरूम में भी पैर फिसलने का डर होता है। इस कारणवश प्रेग्नेंट महिलाएं हादसों से ससेप्टेबल हो जाती हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। दुर्भाग्यवश कार एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ इंजरीज हो सकती हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। मटर्नल शॉक। अगर एक्सीडेंट के बाद माँ शॉक या डिस्ट्रेस में होती है तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट 80% बढ़ जाता है। ये एक इमरजेंसी होती है जिसमें ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस की वजह से हार्ट पूरे बॉडी में पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता। ऐसे में माँ के शरीर को किसी नॉन एसेंशियल ऑर्गन से ब्लड शेड करना पड़ता है ताकि कोर फंक्शंस चलते रहे। प्लेसेंटा अब्रप्शन। प्लेसेंटा अब्रप्शन तब होता है जब प्लेसेंटा समय से पहले यूट्रिन वॉल के साथ अपने आप को डिसोसिएट कर देता है। इस वजह से प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो कम हो जाता है क्योंकि ये अटैचमेंट बहुत नाजुक होता है। एक छोटा सा हादसा भी प्लेसेंटा अब्रप्शन का कारण बन सकता है। ये कार एक्सीडेंट में एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डैमेज है फीटस के लिए। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो सकती है। मिसकैरेज। फीटल डेथ का बहुत बड़ा परसेंटेज कार एक्सीडेंट्स ट्रॉमा की वजह होता है। कोख में बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के कुशन से अच्छी तरह प्रोटेक्टेड होता है, पर एक्सीडेंट के सडन इंपैक्ट से एमनियोटिक सैक रप्चर हो सकता है। हाइपोक्सिया। बेबीज माँ से मिलने वाले ऑक्सीजन रिच ब्लड पर आश्रित होते हैं। अगर माँ को ब्लड लॉस होता है तो बेबीज के ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है, जिससे हाइपोक्सिया कहते हैं। शॉर्ट टर्म हाइपोक्सिया से भी डेवलपमेंट डिलेज और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। व्हाट टू डू व्हाइल यू आर इन अ कार एक्सीडेंट व्हेन प्रेग्नेंट। अगर प्रेगनेंसी में किसी भी कारण एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, आपको तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना चाहिए। कार एक्सीडेंट के तुरंत बाद सबसे पहले लंबी सांस लेनी चाहिए, खुद को रीअश्योर करना चाहिए कि आप ठीक है, और फिर इवैल्यूएट करना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी को लेकर कंसर्न हैं या आपके मन में कोई शंका है कि बेबी इंजर्ड तो नहीं है या फिर किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो गई, तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये समय इमोशनली मुश्किल और डरावना हो सकता है, इसलिए एक्सीडेंट्स के बाद मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो किसी विश्वसनीय फैमिली मेंबर या दोस्त से बात कर सकते हैं। आप किसी काउंसलर से मिलकर अपनी भावनाएं शेयर भी कर सकते हैं। सेफ्टी टिप्स फॉर ड्राइविंग व्हाइल प्रेग्नेंट। अगर आप प्रेगनेंसी में ड्राइव कर रहे हैं तो ये सेफ्टी टिप्स आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। पहला, अपनी पूरी प्रेगनेंसी में हमेशा से ठीक से सीट बेल्ट को पहना करें, यानी उसे अच्छे से सिक्योर करें। बेल्ट को अपनी बेली के सामने या ऊपर ना पहने।
जो नीचे वाली स्ट्रैप होती है उसे बेली के नीचे से लेकर आएं और बंद करें, और जो स्लैंटिंग स्ट्रैप होती है उसे ब्रेस्ट और बेली के बीच से लेकर आएं, ना कि बेली के ऊपर से। ये ध्यान रखकर आप अच्छी तरह से सीट बेल्ट बंद करें। दूसरा, टेक्स्ट मैसेज करते हुए ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। कार चलाते हुए किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन रिस्की हो सकती है, इसलिए ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी फोन का इस्तेमाल ना करें और ना ही कोई और एक्टिविटी करें, जैसे कि बच्चों को खाना खिलाना, उनके लिए टॉय ढूंढना या GPS सिस्टम यूज करना। तीसरा, ये जरूर चेक करें कि आपकी कार का एयरबैग काम कर रहा हो, स्टीयरिंग व्हील और आपकी ब्रेस्ट बोन के बीच 10 इंच की दूरी बनाकर रखें। चौथा, ड्राइव करते हुए अपने साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर रखें। पांचवा, आप एक प्रेगनेंसी ID ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। इस पर आपकी ड्यू डेट, ब्लड ग्रुप और कोई भी ऐसी जानकारी लिखी होनी चाहिए जिसकी जरूरत इमरजेंसी पर पड़ सकती है। तो इस तरह आप किसी भी हादसे को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर दुर्भाग्य से कोई अनदेखा एक्सीडेंट हो जाता है तो घबराइए नहीं और तुरंत अपने डॉक्टर को मिलिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें।